अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ विंटर स्पेशल कोल्ड एंड कफ की रेमेडी को शेयर करने लगी हूँ, रेसिपी को। तो चले आए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए जो है मैं ले रही हूँ, मैं 5 कप बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 टीस्पून जो है बेसन के लिए हैं और 5 टीस्पून ही मैंने देसी घी के लिए हैं। साथ में मैं ले रही हूँ 4 चम्मच चीनी के। चीनी जो है वो आप अपनी पसंद से कम और ज़्यादा ले सकते हैं, और अगर आप लोग इसको नहीं शामिल करना चाहते, फीका पीना चाहते हैं, तो एज इट इज़ भी आप फीका भी इसको पी सकते हैं। साथ में मैं ले रही हूँ कुछ बादाम और पिस्ते मैंने लिए हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी घी में जो है फ्राई करके रख लिया है। और इसके साथ हम इसमें शामिल करने वाले हैं कुछ सूखे मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ हल्दी का पाउडर 1/4 टीस्पून, सूंड ले रही हूँ 1/2 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च का पाउडर जो है 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम है, और यहाँ मैं ले रही हूँ 2 चुटकी जायफल के, और साथ में मैं ले रही हूँ सब्ज़ इलायची के जो है मैंने कुछ दाने निकाल लिए हैं, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैंने एक पैन में देसी घी डाल दिया और आग जो है मैंने बिल्कुल लो रख ली है इसकी। अब ये देखें घी मेल्ट हो रहा है, तो इसमें हम बेसन को डाल के और लाइट गोल्डन ब्राउन तक इसको अच्छा सा भून लेंगे। तो अब इसको मैं लाइट गोल्डन ब्राउन भून लेती हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। अब ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ, और अगर आप लोग 1 कप बनाना चाह रहे हैं तो वो 1 कप के लिए आप 1 टीस्पून जो है बेसन की ले लें और 1 ही टीस्पून जो है आप देसी घी की ले लें। तो और इसी तरह उसको भी अच्छा सा भून के पहले आपने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है बेसन को, और उसके बाद जो है हम अपने बाकी दूसरे इन्ग्रीडियंट्स को इसमें शामिल करेंगे। तो ये रेमेडी जो है सर्दियों में पीने के लिए बहुत अच्छी और मुफीद है, इसके जो है काफ़ी अच्छी जो है आपको एनर्जी पहुंचाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी बेसन को भून रही हूँ, और इसकी आंच जो है आपने बिल्कुल लो रख के ही इसको भूनना है। तो अब इसको हम अच्छी तरह भून लेते हैं, और जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन होगा तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा बेसन अच्छी तरह जो है भून गया है, और ये जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका बेसन जो है वो अच्छी तरह भुना हुआ होना चाहिए, अदरवाइज जो है आपकी ड्रिंक जो है बिल्कुल टेस्टी नहीं बनेगी। तो ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका हुआ है, अब इसमें हम तमाम अपने ये खुश्क मसालों को शामिल कर देते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं चीनी, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं ये बादाम और पिस्ते जो हमने बना के रखे हुए थे, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं दूध। अब हम दूध शामिल कर देते हैं, और हम तमाम चीजों को जो है अच्छे से मिला लेते हैं, और आंच जो है अब हम दरमियानी कर देते हैं, और इसको हिलाते हुए ज़रा अच्छा सा पका लेंगे। इसको उबाल लगा लेते हैं अच्छा सा, जब इसमें बॉइल्ड आने लगेंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। तो अब हम इसको जो है अच्छा सा मिक्स करके और आंच को बढ़ा लें हम, और इसमें मुसलसल जो है चम्मच चलाते हुए तमाम इन्ग्रीडियंट्स के अच्छे से मिल जाएँ और ये सब एक यकजा हो जाए। तो अब हम इसमें उबाल लगवा लेते हैं और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारा मजेदार बेसन का दूध कह लें या इसको बेसन का शीरा कह लें बनके बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको एक चमची में लेके और थोड़ा सा ठंडा करके स्टेज पे चख लें कि हमारा बेसन कहीं कच्चा तो नहीं है, और यानी कि पीने में बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस फिर चूल्हा बंद करके और आप इसको जो है चाय की तरह गर्मा गर्म जो है इसको पिए। और इसको अगर आप दूध में नहीं बनाना चाहते तो आप इसको पानी में भी बना सकते हैं, या दूध और पानी में भी इसको बना सकते हैं। मैंने इसको टोटली दूध में ही बनाया है। तो अभी हमारा जो है बिल्कुल बेसन का दूध या शीरा बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब इसको मैं जो है कप में डाल के आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार बेसन का शीरा या बेसन का दूध भी इसे कुछ लोग कहते हैं बनके तैयार है। और ये जो रेसिपी है ये दूध सिर्फ जो है सर्दियों में ही पिया जाता है इसको,
तो इसको मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।